नमस्कार दर्शक बंधु, शुभ सकाल। आज मे मस 2 तारीख रविवार। प्रतिदिन पर आज मध्य आपण आसीचु सकाल समस्त मुख्य खबर। सब खबर गुरुत्वपूर्ण एवं कम रोटे भिडियो को शेष पर्यटन देखु। आज समस्त मुख्य खबर जानपारे सहित चैनल को नुआकर आसी सब्सक्राइब कर दिंतु प्रतिदिन खबर जानवापी। नंबर 1, गर्भवती एवं भिन्नक्षम सरकारी कर्मचारी ऑफिस मना। राज्य में द्रुतगति में कोरोना संक्रमण वृद्धि पाता बेले समस्त सरकारी ऑफिस शनिवार बंद रहा राज्य सरकार घोषणा करते। एथसहित गर्भवती महिला एवं भिन्नक्षम कर्मचारी तत्काल प्रभाव ऑफिस न आसवाई परामर्श देते। राज्य साधारण प्रशासन विभाग पक्ष जारी निर्देशनामा अनुसार गर्भवती महिला एवं भिन्नक्षम सरकारी कर्मचारी तत्काल प्रभाव ऑफिस न आसवाई परामर्श दी जाए। संपृक्त कर्मचारी मे 31 तारीख पर्यंत घर रही काम करने को कह जाए। जदि ऑफिस अत्यंत जरूरी काम थी तेल टेलीफोन मध्यम जोजोग कले। एथसहित राज्य समस्त सरकारी ऑफिस प्रति शनिवार बंद रहा सरकार निर्देश देते। नंबर 2, सीबीएसई दशम श्रेणी परीक्षा फल गाइडलाइन। सीबीएसई दशम श्रेणी परीक्षा फल नुआ गाइडलाइन जारी कर गाइडलाइन अनुसार सब स्कूल 8 जणिया रिजल्ट कमिटी गठन करा। स्कूल प्रिंसिपल एवं अन्य 7 शिक्षकों को नहीं यही कमिटी गठन हो। 7 शिक्षकों मध्य 5 जन निज स्कूल रे अन्य 2 जन पाख स्कूल रे। वर्ष सारा होता परीक्षा आधार में 80 मार्क मूल्यायन हो। बाकी 20 मार्क मूल्यायन इंटरनाल परीक्षार निर्धारण हो। यहपर जून 5 तारीख सुधा सीबीएसई को 80 मार्क मूल्यायन तालिका पठाव। जून 11 सुधा इंटरनाल 20 मार्क मूल्यायन तालिका पठाव। जून तृतीय सप्ताह सुधा सीबीएसई दशम परीक्षा फल प्रकाश पाइब। नंबर 3, राजधानी राव सप्ताहे बढ़ला लॉकडाउन। लॉकडाउन अवधि आउ सप्ताहे बढ़ाई दी जाए। दिल्लीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ट्वीट कर सूचना देते। मुख्यमंत्री ट्वीट कर दिल्ली में लॉकडाउन अवधि को आउ सप्ताहे बढ़ाई दी जाए। यह पूर्व एप्रिल 25 तारीख में दिल्ली में लॉकडाउन को सप्ताहे बढ़ा जा जहाँ सोमवार सका 5टा बेले शेष हो। तबे राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन 10 तारीख पर्यंत बलवत्तर रहिबो। लॉकडाउन समय राज्य में अत्यावश्यक सेवा जेपरिकी मेडिसिन दुकान परिवा दुकान और राशन दुकान खोला रहिबो। तबे समय दुकान मालिक और ग्राहक को सामाजिक दूरता अवलंबन करने को पड़िबो। नंबर 4, भारत में कोरोना को रोकिबार फर्मुला कहले अमेरिकार स्वास्थ्य विशेषज्ञ। भारत में कोविड द्वितीय लहर समस्त को अस्तव्यस्त कर पकाई। चलित मास 3 तारीख अर्थात सोमवार पाखु कोविड संक्रमित संख्या आहरी बढ़िबो। आईआईटी कानपुर एभली आकलन करछि। अन्यपटे काली देश में संक्रमित संख्या प्रथम थर पर 4 लाख टपिछि। तेणु आगक कोरोनार असल तांडव देखा मिले कहुए। भारत सरकार विशेषज्ञ ही पिक अवधि को अटकवाई लॉकडाउन सटडाउन करपर्यंत संक्रमित संख्या कमार ब्रेक लगिपारी। एपरी भितर आमेरिकार कोविड महामारी टीम विशेषज्ञ डाक्तर आंथोनी फाउसी कहते भारत को किसी सप्ताह लॉकडाउन करने को। जदि लॉकडाउन होबले कोविड संक्रमण चेन काटि। नंबर 5, राजधानी 18 वर्षर ऊर्ध को टीका पंजीकरण बाध्यतामूलक। कालीठ ओडिशा समेत भारत केतेक राज्य 18-44 वर्ष लोकों टीकाकरण आरंभ हो। तेज राजधानी भुवनेश्वर ही वर्गर व्यक्ति केमी ने कोरोना टीका यह बीएमसी कमिशनर कहते सोमवार बीएमसी अंचल 18 वर्षर ऊर्ध को टीकाकरण होती। गत काली सन्धार स्लट बुकिंग आरंभ हो। कोविन पोर्टाल पंजीकरण करने को अनुरोध। बिना पंजीकरण टीका दिजा ना बीएमसी पक्ष निर्धारित होता समय अनुसार सोमवार प्रति सका 8 दिन गोटाए जाए 18-44 वर्ष वर्गर व्यक्ति को कोरोना टीका दिया। से 45 वर्षर ऊर्ध को अपराह 3 संध्या 6 जाए टीकाकरण कर। नंबर 6, 3 मासर टिकस छाड़ दावी कला बस मालिक संघ। महामारी माड़ क्षतिग्रस्त होता राज्य घर बस मालिक संघ 3 मासर टिकस छाड़ दावी करते। बस ऋण किस्ती छाड़ और बीमा समय वृद्धि नहीं उभय राज्य और केन्द्र सरकार को निकट में दावी होतीपरी कोरोना समय राज्य सरकार आंतराज्य बस चलाचल को बंद करते। कोरोनार द्रुत संक्रमण जो बस यात्री होना फल बस मालिक प्रबल क्षतिर सम्मुखीन होते। तेणु एप्रिल मे और जून 3 मासर मोटर जान टिकस छाड़ करने को घर बस मालिक संघ पक्ष दावी कर। नंबर 7, हाइकोर्ट आगुआ ग्रीष्म अवकाश। अस्वाभाविक भाव में वृद्धि पाता कोविड परिस्थिति को देखी हाइकोर्ट समेत राज्यर समस्त निम्न अदालतर ग्रीष्मकालीन अवकाश को आगुआ भाव में लागू कर। आसंता मे 3 तारीख आरंभ हो जून 5 तारीख जाए राज्यर समस्त अदालत ग्रीष्म अवकाश बंद रहा। पूर्व कैलेंडर अनुजाई हाइकोर्ट रही ग्रीष्म अवकाश मे 24 एवं निम्न अदालत गुड़िक मे 22 आरंभ होता। से हीपरी हाइकोर्ट समेत निम्न अदालत जून 7 तारीख में खोला हेब। नंबर 8, झारसुगुड़ा और पटना मध्य विमान सेवा आरंभ। गतकालीठू झारसुगुड़ा और पटना मध्य विमान सेवा आरंभ हो। स्पाइस जेट्र 78 सीट विशिष्ट विमान प्रतिदिन झारसुगुड़ पटना को चलाचल कर। विमानटी अमृतसर बाहरी पटना दी अपराह 4:20 झारसुगुड़ा को पहुंचा सहित अपराह 4:40
पटना अभिमुखे यात्रा करिब। यहापर पटना दे एही विमान गुवाहाटी अभिमुखे उड़ब। फलर पटना और गुवाहाटी को झारसुगुड़ जात्री माने जातायात करें। गतकाली प्रथम दिन में पटना झारसुगुड़ा को 16 जन जात्री आसते। से हीपरी भाव में झारसुगुड़ 39 जन जात्री यात्रा करते। नंबर 9 पोलार्ड को विस्फोरक बैटिंग 4 विकेट रे जीतिला मुंबई इंडियंस। गतकाली रो मैच रे मुंबई दमदार विजय हासिल करिछे। ए मैच रे किरण पोलार्ड को विस्फोरक बैटिंग देखिबा को मिलिछे। फल रे मुंबई मैच को 500 विकेट रे जीति नैछे। एति सहित चलित टूर्नामेंट रे चेन्नई द्वितीय थर पई पराजय सामना करिछे। टॉस जीति बॉलिंग निष्पत्ति नैथिला मुंबई। प्रथम बैटिंग आरंभ करिथिला चेन्नई। चेन्नई पक्षरु राइडु 72 डुप्लेसी 50 मोइनोली 58 रन करिथिले। फल रे दल 20 ओवर रे 4 विकेट हराई 218 रन करिबारे सक्षम होइथिला। पर मुंबई रो किरण पोलार्ड एकाकी विस्फोरक इनिंग्स खेली मैच विजयी कराइले। दल पक्ष पोलार्ड 87 डिकॉक 38 रोहित शर्मा 35 रन करते। नंबर 10 अम्लजान अभाव दिल्ली रो बात्रा हस्पिटाल 8 जन मृत्यु। दिल्ली रो बात्रा हस्पिटाल दिल्ली हाइकोर्ट रे स्वीकार करते अम्लजान अभाव 8 जन रोगी मृत्यु हो जाए। घंटा हस्पिटाल अम्लजान अभाव देखाई मृतकों मध्य हस्पिटाल जन डाक्तर अच्छा। हाइकोर्ट रे बात्रा हस्पिटाल कर्तृपक्ष तरफ बयान दाखल हो। बात्रा हस्पिटाल मेडिसिन निर्देशक डाक्तर एसीएल गुप्ता कहते घंटाए पर्यंत आमको बिना अम्लजान हस्पिटाल चलेबा को पड़ा। शनिवार संध्यार संकट जो 8 जन प्राणहानि घटी मध्य आमर जन डाक्तर अच्छा। नंबर 11 पशु मानक भी होउछि कोरोना। अदृश्य भाइरस कोरोनार तांडवरे समग्र मानवजाति कलबल होता बेले एवं आउ एक रिपोर्ट आसी जो थी पशु मानक कोरोना व्यापार आरंभ करापड़ी जहाँकि सबुठू बड़ विपद कहुपे। गोटे सिंहर मृत्यु रिपोर्ट को आधार कर केन्द्र परिवेश जंगल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कहिछि कोरोना भाइरस कारण गोटे एशियाटिक सिंहर मृत्यु होइछि। तेणु मंत्रालय कहिछि जे पशु मानक मध्यरे कोरोना भाइरस संक्रमण होबार संभावना रही। तेणु पर्यटक मानक जातीय उद्यान अभयारण्य और अन्यान्य संरक्षित अंचल बंद करने को परिवेश मंत्रालय समस्त राज्य को परामर्श देछि। नंबर 12 भारत में पहुंचला स्पुटनिक भि टीका। रूस में प्रस्तुत कोरोना भाइरस टीका स्पुटनिक भि रो प्रथम पर्याय शनिवार भारत में पहुंची। यहाद्वारा एवं देश में टीकाकरण अभियान जोरदार हो। रूस आसीथिबा स्पुटनिक भि टीका गतकाली हैदराबाद विमान बंदर में पहुंची। देश में कोवैक्सिन और कोवैक्सिन टीका पर रूस में प्रस्तुत स्पुटनिक भि टीका दिज्व। वर्तमान भारत में कोरोना संक्रमण को रोकने कोवैक्सिन और कोवैक्सिन टीका दि जाए कि रूस स्पुटनिक भि टीका भारत में पहुंचा पर एठार कोरोना टीकाकरण अभियान आहरी द्रुत हो। नंबर 13 तृतीय थर पर थोरिले आसाम। भय से बाहर को दौड़ी आसिले लोके। तृतीय थर पर पुणी भूमिकंप थोरिले आसाम। 5 दिन मध्य तीन थर अधिक थर भूमिकंप झटका अनुभूत हो। शनिवार सन्धार भूमिकंप झटका अनुभूत हो। आसाम तेजपुर एक झटका अनुभूत हो। रिक्टर स्केल यार तीव्रता 3.3 मपा जाए। यार केन्द्र तेजपुर 40 किलोमीटर दूर रही जमापड़ लगातार आसुथ्वा भूमिकंप को नहीं लोके भयभीत रही जमापड़े। नंबर 14 कोरोना रे बॉलीवुड अभिनेता विक्रमजीत कनवर पालन देहांत। बॉलीवुड सिनेमा छोटो पर्दा और वेब सीरीज़ रो लोकप्रिय कलाकार विक्रम कनवर पाल 52 वर्ष बयस में मृत्यु होती। किसी दिन पूर्व विक्रम कोरोना आक्रांत हो मुंबई एक घर हस्पिटाल चिकित्सित होते। फिल्म निर्माता अशोक पंडित ट्वीट कर सूचना देते सेनार अवसर ग्रहण करने 2003 मसीह विक्रम कला जगत में पाद देते। विभिन्न प्रकार चलचित्र धारावाहिक विक्रम जड़े दक्ष सहयोगी कलाकार भाव में अभिनय कर दर्शकों हृदय में स्वतंत्र स्थान या करते। नंबर 15 राज्य में 10,000 अतिक्रम कला संक्रमण। राज्य में गत 24 घंटे 10,413 आक्रांत चिन्ह होते। संग्रोध केन्द्र 5,887 आक्रांत बेले स्थानीय संक्रमित 4,526 रही है। खोर्धा जिलार सर्वाधिक 1,796 आक्रांत चिन्ह होता बेले सुंदरगढ़ 1,100 कटक 828 चिन्ह होते। से पुरी 533 बरगड़ 511 नुआपड़ 418 नवरंगपुर 378 कलाहांडी 376 आक्रांत चिन्ह होते। राज्य में मोट संक्रमण संख्या 454,606 बेले 385,414 जन सुस्थ हो घर को फेरी। गत 24 घंटे 11 जन मृत्यु होता बेले मोट मृत्यु संख्या 2054 रही। गत 24 घंटे 47,462 नमूना परीक्षा होती। देखिबा शेष खबर आज 3 जिलार कुआपथर वर्षा संभावना येलो वार्निंग जारी। आज मलकानगिरि कोरापुट रायगढ़ गजपति गंजाम नवरंगपुर नुआपड़ा कलाहांडी कंधमाल मयूरभंज केन्दुझर और सुंदरगढ़ आदि जिले में कालबैशाखी वर्षा हो। एथसहित कोरापुट नवरंगपुर और मलकानगिरि किसी स्थान में कुआपथर वर्षा होबार संभावना रही है। आज पवन बेग बढ़ केन्दुझर मयूरभंज अनुगुल ढेंकानाल जाजपुर भद्रक बालेश्वर कटक कंधमाल गजपति बौद्ध मलकानगिरि देवगढ़ और रायगढ़ जिले में कालबैशाखी वर्षा हो। 3 और 4 तारीख में आहरी अधिक अंचल में कालबैशाखी वर्षा हो। इस समय पवन बेग 40-50 किलोमीटर बेगर बहुत देखि भुवनेश्वर आंचलिक पापाग विज्ञान केन्द्र पक्ष सबू जिलागुड़ी येलो वार्निंग जारी कर।